हेलो गाइस, ध्रुव शाह दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बड़ौदा सिटी, एक पूरा अनप्लैंड इम्पल्सिव डे आउट करने। हम सब कजिन्स बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। मेरी मुंबई वाली बहन और उनके हस्बैंड लाइक मेरे जीजू आ चुके हैं ऑलरेडी सूरत, और मेरे मामा की लड़की को नहीं पता है कि वो आ चुके हैं, तो उसके लिए भी सरप्राइज रहने वाला है। फिर हमने प्लान किया है मेरे मासी को सरप्राइज देना, जो जिन्होंने वर्षित अप किया है, जो कि पूरा एक साल पूरे हमारे जैन रीति रिवाज के हिसाब से तब होता है, तो उनको ऐसे मिलने जा रहे हैं, उनको सरप्राइज करेंगे। ये व्लॉग बहुत एक्साइटिंग रहने वाला है, लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस, फन मोमेंट्स, फूड। देखना जो भी आगे आएगा, पूरा डे बहुत मस्त रहने वाला है। चलिए ले चलता हूँ मेरे साथ एक वर्चुअल टूर पे, लेट्स गो। सो अभी हम जा रहे हैं स्टेशन, और मेरी कजिन को पता ही नहीं है कि मुंबई से सारे गेस्ट आ चुके हैं और उसके लिए सरप्राइज होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन। और ये देखिए, उसने जैसे कि कोई ऐसा मिरेकल देख लिया हो, उसका रिएक्शन देखिए। वो मेरी बहन जो मुंबई से आई है, जीजू, वो इतनी शॉक है अभी, शी इज नॉट बिलीविंग हर सेल्फ। एंड ये देखते हैं होलसम मोमेंट्स, एकदम वो एकदम हक कर रही है सबको, एंड एवरीवन इज वेरी हैप्पी। बस अभी हमारी ट्रेन आएगी 5 मिनट में, एंड वी विल बी बोर्डिंग द ट्रेन टू बड़ौदा। लेट्स गो। फाइनली बीचेस इन बड़ौदा। अभी हमने ली है ऑटो एंड हम जा रहे हैं मेरे मासी के वहाँ पे। तो अभी उनको तो पता ही नहीं है कि हम आ रहे हैं। कैसे, क्या लगता है, क्या रिएक्शन होगा? एक्साइटमेंट है कि डिसअपॉइंटमेंट है, विल गेट टू नो। तो हमारा सरप्राइज प्लान हो चुका था थोड़ा फेल, क्योंकि मासा पहले ही मुझे वेलकम कर लेके नीचे थे। अभी मासा सबको देख के शौक थे, बट हमने मासी को नहीं बताया था और ये सब छुपे हुए थे। सबको बाहर बुलाया मासा ने, और अभी घर जाके पूरा प्लान किया कि मासी को शौक करेंगे। आइए देखते हैं उनका रिएक्शन। और ये देखिए मासी का क्या प्राइसलेस रिएक्शन था। एक्चुअली हम सब काफ़ी टाइम बाद मासी के घर गए थे बड़ौदा में, और मासी वॉज सो हैप्पी, बट लिटिल डिड शी नो कि अभी मेरे भाई भाभी आने बाकी है, जो उनको पता ही नहीं था। ये मुंबई वाले गेस्ट देख के शौक हुए थे। देखिए इनका रिएक्शन। अभी ये मुंबई वाली मेरी बहन निशी आई है, ये मेरी बहनों को मिल रहा है, एंड अब आ रही है मेन एंट्री, जो कि उनको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। लेट्स सी। सो गाइस, सरप्राइजिंगली हमारे एंट्री के बाद अभी ब्रेकफास्ट सर्व किया है। कैसा लग रहा है तनिष भाई? भूख लगी है आपको? बहुत ज़्यादा खा लो। अभी वी आर ऑल सेट फॉर द ब्रेकफास्ट। सो गाइस, मासी के वहाँ पर मस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद, एंड अब हम हो चुके हैं थोड़ा तैयार, फेस वॉश इन सब कर लिया। अभी हम घूमने आए हैं बड़ौदा सिटी, तो मैं आपको बड़ौदा सिटी का टूर करवाऊंगा। एंड फिलहाल हम हैं कमाटी बाग। कमाटी बाग करके एक एरिया, एक गार्डन है इधर, जो इधर के सयाजीराव गायकवाड़ का है, एस्पर मासी, जो यहाँ के बड़ौदा के रूलर है, किंग है। और ये देखिए तनिषी कच्ची करी लेके खा रही है। क्या लगा कच्ची करी? ये देखे किड्स व्हेन दे रियलाइज फिल्टर के बिना भी अच्छे लगते हैं। सब रुके हुए हैं, एंड भाई भाभी आ रहे हैं, एंड उसके बाद विल टेक द एंट्री एंड हम करने वाले हैं ट्रेन राइड। लेट्स सी। तो अब हम आए हैं ट्रेन राइड के लिए, जो कि यहाँ का पूरा जो ये गार्डन है किंग का, मतलब वो पैलेस का, वो उसका पूरा टूर करवाएगी, एंड वी आर गोना सीट एट द लास्ट। सो लेट्स सी।
ट्रेन के बाद हम आ चुके हैं डैशिंग कार में और ये हमारा पूरा ग्रुप एंड ये डैशिंग कार का मैं आपको दिखाता हूँ गेम का एंड मजा आ रही है और 8-8 जन करने वाले हैं डैशिंग। तो अब हम आए हैं ऑक्टेंट पिज़्ज़ा में अनलिमिटेड खाने और ये देखे भाई भाभी अपना सिलेक्शन करते हुए और यहाँ पे अनलिमिटेड वैरायटीज़ है, बहुत सारी वैरायटीज़ है, आपको जो खाना हो। एंड हमने यहाँ पे लिटरली 2 से 2.5 घंटे बैठ के ये देखे सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, गुलाब जामुन से लेके एवरीथिंग यू कैन नेम एंड बहुत ऑसम था। बस अब इसके बाद का लक्ष्मी विलास पैलेस का ब्लॉग आएगा, वो ज़रूर देखिएगा, वो आएगा कल सुबह आप मेरी ही चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो। और चलिए इसी बात पे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, इस ब्लॉग को करते हैं इधर एंड। फॉर मोर सच वीडियोस एंड एक्साइटिंग ब्लॉग्स सब्सक्राइब ध्रुविल शाह एंड खुश रहिए, मस्त रहिए।